बहुत ज्यादा ही लेट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आज इनको कॉल करके बोल देती हूँ कि मुझे लेट हो जाएगा। हेलो, मुझे कोई भी दीक्षा नहीं मिल रही, मुझे आने में लेट हो जाएगा। किस्मत साथ ना दे तो क्या करें। कितनी देर लगती है क्या आने में? सॉरी ना, मैंने तो आपको बोला था कि मुझे लेट हो जाएगा। चलो जो बदगुमा हम तो क्या करें, ये मुमकिन तो नहीं जो दिल चाहता वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। क्या हुआ? जो दिल के पास। हेलो, तुम बाहर कहाँ घूम रही हो? वो मैं भैया के साथ थोड़ा बाहर आई थी। अच्छा, जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तब तुम्हारे पास 10 बहाने होते और तुम लेट हो जाती हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा काम था इसलिए बाहर आई थी। मुझे ना तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी है, तुमसे बहस करके कोई मतलब नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरा ना दिमाग खराब हो गया है, और जब तक मैं फोन नहीं करूँ ना तो मुझे फोन मत करना। हेलो सुनो तो क्या करे, किसी से हम नवाई का सिला हमको ना मिल पाए, हुए जो बदगुमा। क्या हुआ? चलो ये मुमकिन तो नहीं जो दिल चाहता वो मिल जाए, टूटे तो क्या करें। खाओ ना। कहाँ जा रही हो तुम? बिल पे करने। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पे करूंगा। आप तो हर बार पे करते हो, आज मैं पे कर देती हूँ ना। मैंने कहा ना मैं पे करूंगा। पर क्यों? क्योंकि इसलिए ना, अगर कल को हम लोग अलग हो गए तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों के बीच ये कहो कि मैंने उसके खाने के बिल भी भरे थे। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? ये दिल वीरा नहीं होता, वजह कुछ और भी मिल जाती है दुनिया में जीने की, किसी की आस पे जीना भी तो आसान नहीं होता। नसीब आर्यन, आपने फिर से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, पर आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप नहीं पियोगे। हाँ तो क्या माही, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं चल सकता हूँ। मैं तो बस आपको समझा रही थी। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे कहने पे नहीं चलूंगा। एक काम करता हूँ, मैं ही चले जाता हूँ। क्या करें, ये मुमकिन तो नहीं जो दिल चाहता वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। आर्यन, मैं आपको रोक टोक नहीं करना चाहती, मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैं समझाती हूँ, पर आप होगी हर बार मुझ पे चिढ़ जाते हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है माही। इतना चिल्ला क्यों रहे हो, हमें सब देख रहे हैं। देख रहे तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, समझ में आया ना तुम्हें? और ना मैं अब ये नहीं सह सकता, मैं जब भी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश करता हूं तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा। ये बार बार छोड़ के जाने की बात क्यों करते हो? ये रिश्ता क्या सिर्फ मेरा है क्या, हम दोनों का है ना? अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही रिश्ते की बात ना,
तो ठीक है, ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। हाँ तू बता ना, तू कैसा है? अरे मुझे कोई बात की टेंशन नहीं है, लाइफ में सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं होता किसी के दूर जाने से, ये दिल वीरान नहीं होता, वजह कुछ और भी मिल जाती है दुनिया में जीने की, किसी की आस पे जीना भी तो आसान नहीं। तुम जैसे लड़कों को आखिर में रिश्तों की कदर क्यों नहीं होती थी? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हारा इतने केयर करती थी, तुम्हारा ख्याल रखती थी, पर तुम हमेशा मुझ पर रुबाब जताते थे, जैसे कि तुम्हारे लिए फीलिंग्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब रिश्ता दोनों का है तो दर्द भी दोनों का बराबर होना चाहिए ना। मुझे पहले ही पता था तुम तो कभी ये रिश्ते में थे ही नहीं। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, पर देखना मेरे जाने के बाद तुम्हें एहसास होगा। अगर तुम्हें मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी और खुद को संभाल लूंगी, पर कभी मैं लौट के नहीं आऊंगी आर्यन।